continue on Devgard Road for 5 kilometers. वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के व्लॉग में हम आए हैं देवगढ़ दत्त देवस्थान, जो कि औरंगाबाद नगर रूट पर है। अंदर 5 किलोमीटर दत्तात्रेय की बहुत ही सुंदर मूर्ति भी है और यहाँ पे मंदिर भी बहुत विशाल। पूरा यात्री सदन है उनका, इधर का एक यात्री सदन, ये प्रसादालय। हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ मेरा बेटा धैर्य भी है। हाय धैर्य। हाय फ्रेंड्स। श्री दत्त प्रसन्न दत्त मंदिर संस्थान श्री देवगढ़, ये पूरी एंट्री देवस्थान। और ओपन का टाइम 6:15 है और क्लोज का टाइम रात में 10 बजे। तो दोस्तों, हमने अंदर अच्छे से दर्शन किए। अंदर दत्ता भगवान की बहुत ही मनमोहक सुंदर एकदम बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। अगर आप कभी औरंगाबाद नगर रूट पर आए तो ज़रूर इस देवस्थान का दर्शन कीजिए। बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रसाद भी देखते हैं। अंदर बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हमने। अंदर बहुत ही मनमोहक बहुत ही सुंदर दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति रखी है। और आप कभी इस रूट पर आए तो ज़रूर इसका दर्शन कीजिएगा। और चलिए, अब हम भोजनालय के पास जाकर देखते देखते यहाँ पर प्रसाद कैसा है, प्रसाद लेंगे और बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने लिखा है श्री गुरु दत्त भोजन कक्षा भक्त निवास। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये सामने भक्त निवास है और यहाँ भोजनालय लिखा हुआ है। चलिए हम भोजन करते हैं। यहाँ पर लिखा है भोजन प्रसाद 50 रुपये, चाय दूध कॉफ़ी और सब कुछ मिलेगा। और नाश्ता यहाँ 10 रुपये में है। ये प्रसाद, ये हम आए हैं प्रसादालय में। चलिए प्रसाद देखते हैं, टेस्ट करके। प्रसाद तो नॉर्मली बहुत ही टेस्टी होता है हर जगह पर। चलिए फिर भी यहाँ का भी स्वाद लेते हैं और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। थोड़ा थोड़ा वाड़ा देना। तो हमारा प्रसाद, तो अब हमारा प्रसाद आ चुका है। चलिए अब इसको ग्रहण करते हैं और अभी चलते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का। तो दोस्तों, अच्छे से दर्शन हमने कर लिए दत्तात्रेय भगवान के। उसके बाद हमने यहाँ पर भगवान का प्रसाद भोजनालय में लिया, वो भी बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। कभी आप इस रूट पर आए तो ज़रूर इस देवगढ़ दत्तात्रेय देवस्थान को विजिट कीजिए औरंगाबाद नगर रूट पर। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका जो भी विचार, फीडबैक, जो भी आपको कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा।